मेरे माँ बाप इंडिया से आएंगे, दुबई से आके फिर दूसरी फ्लाइट ले, उनको दुबई से एहराम बांधना होगा, जिद्दे से बांधेंगे दम पड़ जाएगी क्योंकि मीकात गुजर जाएगा। एक बात हमेशा यानी समझ नहीं आती है, भाई तुम इंडिया से आ रहे हो, लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, मकसद भी तुम्हारा उमरा है, तुम्हें एहराम की क्या तकलीफ है अगर 2 घंटे पहले बांध लोगे तो? अगर तुम जिद्दे के बजाय दुबई में बांध लो तो 2-2.5 घंटे का फर्क पड़ेगा। तो अगर पहले एहराम बांध लिया तुम्हें तकलीफ, अगर तकलीफ है ना आओ उमरे पर, कोई काबा शरीफ आपके लिए उदास तो नहीं है? ना मक्के मदीने वालों ने आपको खत लिखा है कि हजरत जरूर तशरीफ लें, हमने आपकी ज्यारत करनी है। और अगर आना है तो फिर सुन्नत के मुताबिक आओ। अगर आदमी की नीयत हो ना जी तो अल्लाह असबाब। मैं एक दफा हांगकांग से आ रहा था, मेरा 2 घंटे के लिए स्टे था दुबई पे, एहराम नहीं था। अल्लाह की शान यह है कि मैंने दुबई एयरपोर्ट पर जितना मैं चल सकता था ना, चूंकि बहुत बड़ा एयरपोर्ट, चल सकता था मैं चलता रहा, हर चीज मौजूद थी शराब से लेकर कार तक, लेकिन एहराम की चादर नहीं थी। अब मैं आगे सोचा अभी अब क्या करूं, मैंने फिर सोचा कि ठीक है मेरे अपने बैग में लुंगी है वो निकाल लूंगा, लुंगी बांध लूंगा, ऊपर कभी ये तोप जो है खोल के यूं डाल लूंगा, खुदा की शान है वो बैग भी सामान में था। फिर भी मैंने कहा हो ना हो, मैं इसी पजामे में बैठा रहूंगा, बुनियान और कमीज उतार लूंगा, बैग पढ़ लूंगा, जिद्दे उतर के चादर बांध लूंगा। मैं अभी इन्हीं सोचों में मुबतला था, यकीन करें कि 3 आदमी बैयक वक्त एहराम के तौर ये लेके आए कि हजरत हमारा कबूल कर दे एहराम। मैंने कहा भाई किस किस का मैं कबूल करूं? उन्होंने कहा जी बाकी रखने का भी फिर उमरा कर लेना, लेकिन अब हम आपकी नीयत से ले आए हैं तो कबूल कर लेना। मैंने कहा मुझे तो यहां मिलेंगे? उन्होंने कहा नहीं जी हम तो इंडिया से लेके आए हैं। भाई तुम्हें पता था कि मैं वहां खड़ा हूंगा? कहा नहीं पता नहीं था, नीयत थी। अल्लाह ने एहराम भी दे दिया, इतने अच्छे तौलिए शायद मैंने कभी जिंदगी में भी ना खरीदे। आराम से गुसल किया, तौलिए बांधे, रकात पड़ी, नीयत की, सुभानअल्लाह। सब कुछ नीयत हो ना तो अल्लाह दे देते हैं। नीयत ही इब्तदा से खराब है कि आ रहे हैं तो क्या जिद्दे से एहराम बांध सकते हैं? उनको कहो जनाब न तशरीफ लाएं, अपने घर में रहें आराम से, आना है तो फिर सुन्नत के मुताबिक आएं।